अलवरगेट थाना अंतर्गत एक महिला से शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुराचार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अलवरगेट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 सहित SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि पीड़िता ने थाने में आकर मारोठ नावा तहसील निवासी कैलाश पारिक के खिलाफ 2 साल तक शादी का झांसा देकर अलग अलग शहरों के होटल्स में दुराचार करने का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो उसकी पहचान आरोपी कैलाश से 2 साल पहले हाइक मैसेज से हुई थी, जिसमें आरोपी ने अपने आप को 4 सितारा होटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। पीड़िता आरोपी की बातों में आ गई और घर से अपनी मां के सोने के गहने लेकर आरोपी के साथ चली गई। 2 साल तक दोनों एक साथ रहे और आरोपी पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पिछले कुछ दिन पहले पीड़िता ने सबके सामने शादी की बात कही तो आरोपी कैलाश ने पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया और घर से भगा दिया। इस बात से खफा पीड़िता ने आरोपी कैलाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। कोई फोन पर एक हाइक मैसेज आया, फिर मैंने उस नंबर पे वापस कॉल किया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश पारिक निवासी मारोट बताया और कहा मैं 4-स्टार होटल में मैनेजर हूँ, 25,000 तनख्वाह मिलती है, कार है, मेरा घर का मकान है और अगर मेरे से शादी करना चाहती हो तो राजा साइकिल चौराहे मिलो। तो मैं मेरी माँ के गहने लेकर के राजा साइकिल चौराहे पर चली गई। फिर वहाँ से हम जयपुर चले गए। जयपुर में मेरे महीने भर ठीक रखा, उस दौरान शारीरिक संबंध बना लिए, ये कह कर गया कि तेरे से शादी कर लूँगा। फिर वहाँ से फतेहपुर सीकर ले गया, साल भर करीब वहाँ रहे, लेकिन इस दौरान मेरे को मारता पीटता रहा, मेरे गहने जो थे वो उसको बेच करके वो पैसे खर्च कर दिए और फिर कहा कि तेरे बाप से और पैसे लेके आ, तू नीच जात की है, और मेरे को जाति सूचक गालियाँ देता रहा और मारपीट करता रहा। इस पर मैं यहाँ अजमेर आकर के ये मुकदमा दर्ज कराए। तो 376, 406, 342 SC/ST एक्ट में ये मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश है वो SC/ST सेल CEO साहब के पास भिजवाई जा रही है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार रात नाकामदार पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित मंदिर को निशाना बनाकर चोरों ने उसके दान पात्र से नकदी चुरा ली और फरार हो गए, लेकिन सामने मौजूद पुलिस वालों को चोरी की भनक तक नहीं लगी। वहीं चोरों का हौसला भी देखो कि उन्होंने सांप के बिल में घुसकर हाथ डाला। श्रीनगर रोड से श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बंसीलाल की बेटी शालू ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे वह अस्पताल लेकर गई थी। इलाज के बाद जब दोनों मंदिर लौटे तो मंदिर में रखे दान पात्र पर लगा ताला टूटा हुआ था और उसमें रखी पिछले 1 वर्ष की दान राशि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के लिए दान दी गई थी चोर चुरा कर ले गए। ये भैया 10:30 करीब डैडी की तबीयत खराब हुई थी तो मैं डैडी को लेके गई हॉस्पिटल। 12 बजे हम वापस आए, जब तक तो ये हो चुका था। 12:30, 12:15 करीब आके देखा तो उनका नाम ये तो खुला पड़ा है। फिर अब साल भर की थी इसमें, अब पता नहीं साल से खुलती है, जन्माष्टमी से जन्माष्टमी खोलते हैं इसको, अब पता नहीं कितना क्या था। बाकी करा है इसने खिड़की में से ही कुछ, कुंदे को तोड़ दिया, ताला वाला तोड़ के फिर ये खुली पड़ी थी, हम लोग तो आए थे जब। अब भैया क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, साल भर से खुलती है ये तो, अब जन्माष्टमी को खुलती, पिछले जन्माष्टमी को खुली थी। सामने क्या? सामने तो चौकी है, लेकिन चौकी का भी डर नहीं है ना इन लोगों को, क्या कर सकते हैं। पुलिस चौकी है, पुलिस वालों का भी तो डर नहीं है ना इन लोगों को, पता नहीं क्या है, यानी दो बार पहले भी हो चुकी थी। रात को क्या हुआ, मैं तो चले गया 10:30 अस्पताल और पीछे से आया, मुझे छोटा ताला लगा था यहाँ पे, ठीक है, और पैसे पता नहीं कौन छोड़ा। फिर वापस आया तो सुबह सो गया मैं, तो सुबह उठा 4:30 बजे तो ताला खुला था, ऐसी बात, पता नहीं कौन आया।